हिंदुस्तान मोदी जी के जाने के बाद याद करके रोएगा कि कोई प्रधानमंत्री था, जो चले गए हैं ना उनकी मूल्यांकन करना चाहिए। जो कर रहा है परीक्षार्थी, जब तक परीक्षा दे रहा है उसको नंबर नहीं मिलते, परीक्षा खत्म होने के बाद नंबर मिलते हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने दो। क्या पता कोई बड़ा घोटाला निकले, क्या पता इससे बेहतर निकले, कोई पता नहीं। एक एक मिनट, एक मिनट, क्या नाम? अच्छा प्रभु जी जी, सरदार सिंह। क्या नाम? सरदार सिंह। अच्छा, जो 2024 की जो चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री को लेकर, क्या लगता है आपको कौन होने चाहिए प्रधान? उसमें कोई शक की बात नहीं है, मोदी आना है, मोदी के अलावा कोई मोदी को टक्कर देने वाला नहीं है। जी जी जी, 2024 भी होएगा और आगे भी मोदी रहेंगे। क्यों मोदी को? क्योंकि जो उन्होंने जो काम किए हैं, जो सराहनीय है, और जो हिंदुस्तान में जो है, देश विदेशों में जो है, जो हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है, जो हम इंडियन हैं, हम गर्व करते हैं कि हम इंडियन है करके। जब से नरेंद्र मोदी ने आया है, देश विदेश में जो इंडियन का जो है सर नाम जो अच्छा हुआ है, जो हिंदुस्तान का जो नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी रहेगा 24 में, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात जो उनका नाम काई को ले रहे हैं भाई, मूड खराब कर दिया पूरा। नहीं, वो तो फिर बात नहीं है। राहुल तो पीएम है, गांधी कहाँ से आ गया? वो राहुल गांधी कौन बोलता है, गांधी कहाँ से आ गया? हम तो नहीं जानते भाई वो कौन है, राहुल गांधी की तो नहीं जानते हम। जी नहीं, कोई बात नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं। हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है, आज हिंदुस्तान के जो युवा है हर वक्त आपको की देश हित में काम हो रहा है, मोदी सरकार देश हित में। जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। चलो ये कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत तो सब लोगों को तकलीफ झेली है, फिर भी ठीक है। जी इकट्ठा हो रहा है, चुनौती दे पाएगा मोदी? जी विपक्ष जो है वो अपना अपना ये खेल रहा है, मगर मोदी को कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल है, ये कोई भी टक्कर देने वाला? आप कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट? मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार में भी एक ऐसा पीएम था जो देश बदलना चाहता था। कौन था? चंद्रशेखर बलिया से। उन्होंने इनके सामने घुटने नहीं टेके, बोले पकड़ो अपनी, ये मैं नहीं करूँगा। तो एक नेता उनके वहाँ से भी था जो बदलाव लेके आना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसको निकाल दिया वहाँ से। ठीक है, उन्होंने क्या निकाला, वो खुद ही वहाँ से वो निकल गए। तो मैं बस यही बात का जवाब उनका देना चाहता था कि एक और इंसान ऐसे थे। तो कांग्रेस कभी भी काम नहीं किया, ना कभी करेगी, शुरू से ही बस टाइम पास करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। इनकी जो मदर थी, यहाँ देश में गेहूं की बड़ी दिक्कत हो गई थी, अमेरिका भागी थी, वहाँ से भगाया था उनको। आज के टाइम देखिए गेहूं की उपज कितनी हो रही है और हर इंसान जो है प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर रहा है। क्या नाम? ये कह रहे हैं, एक सवाल इसका जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं कि गेहूं की उपज इसकी मांग भागे गई थी अमेरिका, तो गेहूं की देन और भारत को अनाज देने वाली इंदिरा गांधी थी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके आज धान का कटोरा कर दिया। दूसरी बात, मोदी से आज लोग डर रहे हैं, ये क्यों कह रहे थे सरदार जी? डर रहे हैं, मध्यम वर्ग ओरिजिनल चाहिए, जिनको फ्री का चाहिए ना, डर वो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, डर वो रहा है जिसको पहले फ्री का मिल रहा था। मेरे ही रिश्तेदार, सुन लो भैया, आगे बात करो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा ही एक रिश्तेदार था, उसकी जमीन पे लोन था, जैसे कांग्रेस ने लोन माफ कर दिया तुरंत बड़े खुश हो गए। क्यों भैया? मेहनत का अपनी तुम्हारी जमीन जा रही थी, जाने देते उसको, क्यों तुम चाहते हो बैंक से? जिसको फ्री का चाहिए उसके लिए कांग्रेस सबसे बढ़िया थी, जो खुद कमाना खाना चाहता है उसके लिए बीजेपी सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि कमाने खाने वाले लोग कांग्रेस के टाइम पे नहीं बढ़ पा रहे थे, सभी लोग आज के टाइम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जाके लेके आओगे जीएसटी नंबर ऑनलाइन तुरंत मिल जाता है, वरना धक्के खाते थे, जाके सिफारिश करनी पड़ती थी। जीएसटी कांग्रेस की जीएसटी थी जो देश को आज विकसित कर देती, 4% 8% और 12% तीन स्लैब में थी। तो मोदी जी आए, एक तरफ पर राज आया, उन्होंने 28% लगी, पूरा मार्केट की ऐसी तैसी हो गई, सब रो रहे। पहले तो नोटबंदी करके बाद में जीएसटी लगाने से भारत की कमर तोड़ दी, 19 में वापस नहीं आते, पुलवामा होने से आगे। तो इन्होंने पहले मैनेजमेंट है, अब ये किया है 1900 करोड़ रुपए में यूएम खरीदी है, तो ये इन्होंने पहले ही सेट कर दिया, ये 3 साल पहले सेट कर देते हैं कैसे जीतना है। आज भारत की जनता डर रही है, डर के कारण ये कह रहे मोदी
मोदी, क्योंकि एक आदमी मोदी खिलाफ बोलते, पांच आदमी पढ़ते, क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने नहीं किया तो कपड़े कहाँ से आए? कांग्रेस ने नहीं किया तो पड़ी कैसे आई? आपकी पड़ी कहाँ से? एक मिनट सवाल मेरा है सिटी। इंदिरा गांधी का नारा था कि गरीबी हटाओ, ठीक। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ, ठीक। फिर मनमोहन सिंह आए, उनका भी यही नारा था, वो चला आ रहा था गरीबी हटाओ। 2014 में जब सत्ता बदली तो क्या 14 के बाद ही सारे गरीब हो गए थे? तब अब तक गरीब को गरीब क्यों रखा? क्यों गरीबी क्यों नहीं खत्म कर पाए? उस चीज को भाई आप 60 साल राज करने के बाद में गरीबी नहीं खत्म कर पाए? मैं जवाब दे रहा हूँ नी, आप कह रहे हैं भाई 1970 के अंदर अनाज नहीं था भारत में, 2000 आते होते अनाज। मुझे वो चीज नहीं, 55-60 साल के बाद भी आप नौ साल में गरीबी नहीं आ गई? 9 साल के अंदर ही क्या क्या नहीं था? अनाज नहीं था, अनाज नहीं था। सुन लीजिए मैं बताता हूँ, अनाज नहीं था। ये कह रहे हैं अनाज नहीं था, ये कह रहे हैं अनाज नहीं था। भाई साहब बॉर्डर पे उनके पास बंदूकें नहीं थी, पर नेहरू गांधी, अरे हम तो बर्बाद होने वाले हैं, सीधा ब्रिटेन के पास गई। सुन लो, अरे उसको छोड़ो ना यार, मेरी बात सुनो नहीं, जवाब दे रहा ना आपको, जवाब नहीं। आप गरीबी की बता रहा हूँ, 14 से 23 तक गरीबी के अंदर 20 करोड़ लोगों ने मोदी ने धकेल दिया। अच्छा, जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं, अभी आपने देखा होगा अडानी को लेकर उनका सिर लगातार धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, और मोदी सरकार का कांग्रेस विरोध कर रही है कि अडानी देश, अडानी के सहारे पे चल रहा था देश, अब देश बिक गया, सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने, इसको लेकर क्या देखिए बता रहे, ये तो विपक्ष का ये चलता ही है कि देश बिक गया। देश कहाँ बिका है? देश का तो नाम हुआ भाई, वो तो दूसरा देश खरीदने के लिए अपना देश रेडी है, दूसरे को लोन दे रहा है, दूसरे को पैसे दे रहा है, दूसरे को प्रोडक्ट दे रहा है, तो देश बिक कहाँ गया है? कहाँ से आप बताइए, कहाँ देखो, क्या सुने कि जो देश बिक गया? बिका तो पाकिस्तान बिक रहा है, उसमें इतने कर्ज हो गए हैं कि वो बिकने जा रहा है, इंडिया कहाँ से बिक रहा है? अच्छा, तो क्या जिस तरह से कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इंडिया कुछ भी कर जाए भाई, जो विपक्ष है तो कुछ भी बोलेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बोलती थी, बीजेपी है तो कांग्रेस बोल रही है, तो हम लोग अगर उस लोग के पीछे जाएंगे तो हम लोग खुद की बर्बादी है। हम देख रहे हैं ना भाई, अपने आंखों से तो दिख रहा है ना कि अपना देश कहाँ जा रही है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस कह रही है LIC डूब गया, SBI डूब गया, सारा पैसा अडानी लेके, अडानी भी भागने वाला है, छोड़ के भागने वाला है। अडानी किससे भाग जाएगा? शेयर गिरा है तो जो गिरता वही उठता है, वो गिरा है तो अब उठेगा, तो जितना था उससे दुगुना जाएगा वो। अगर गवर्नमेंट उसको पैसे दिया, लोन दिया हुआ है, सोच समझ के दिया होगा ना, SBI ने लोन दिया होगा, जो भी लोन दिया हुआ है तो सोच समझ के दिया होगा, ऐसे तो लोन उठा कर दे नहीं दिया, लोन उठा ले जाओ जितना मर्जी ले जाओ। 24 की अगर बात करें हम, तो क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए? बीजेपी तो आना है, उसमें तो नो डाउट बीजेपी तो आएगी। क्यों, रीजन क्या है, कारण? रीजन क्या, उसका काम है, लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो बीजेपी आएगी। लेकिन कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत बना रही है, पहले की अपेक्षा बहुत मजबूती से अपने आप मेहनत कर रहे हैं देश में, भारत जोड़ो यात्रा से दिख रहा है कि राहुल जी का मेहनत दिख रहा है, राहुल जी की मेहनत जी। कुछ फर्क पड़ेगा इससे 24? हाँ, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, लास्ट ईयर जितना सीट होगा उससे ज़्यादा सीट तो इस बार तो आना ही है उनका। पीएम मोदी क्या अभी बता रहा मैं, देश को मोदी की ही जरूरत है, मोदी जी रहेंगे तो देश जितनी रफ्तार से इससे दुगुना तीन गुना रफ्तार और बढ़ेगा देश के विकास में। अभी 5-10 साल उनकी जरूरत है इस देश को। अच्छा, जो लगातार आरोप के अलावा मुझे तो नहीं दिख रहा है कि अपने इंडिया में कोई प्रधानमंत्री लायक है, वो बीजेपी में हो या तो कांग्रेस में हो। लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पर बात नहीं हो रही है। कौन बोल रहा है कि रोजगार नहीं है देश में? इतने रोजगार है कि रोजगार करने वाले लोग नहीं है, ये गलत बात है। रोजगार भैया उसके पास नहीं है जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, सोचता घर में सोए रहे और सैलरी अकाउंट में आए। सरकार इतना स्किल डेवलपमेंट पे कौशल विकास योजना के तहत इतने स्किल दे रही है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल का कोर्स दे रही है, जिसे सीखने के बाद 100% आपको रोजगार है।
आज किसी भी कंपनी में चले जाइए, देखिए उसके पास कितनी वैकेंसी पड़ी हुई है, करने वाले नहीं है, जॉब करने वाले लोग नहीं है, बोलते हैं बेरोजगारी है। महंगाई को लेकर, महंगाई कहाँ महंगाई है बताइए हमको। आप गेहूँ आप खा रहे 30 रुपये आटा, पाकिस्तान में देखिए आपके पड़ोसी में 300 रुपये आटा है, कहाँ महंगाई है, क्या चीज़ की महंगाई है, हमको एक भी आइटम बताइए जो महंगा है अपने देश में। 400 का सिलेंडर 1200 को कहाँ पे, कब हुआ है, आज हुआ है, 1200 को हुआ ना, पाकिस्तान में पता कीजिए कितने का मिल रहा है, आपके यहाँ पेट्रोल कितने का है, पाकिस्तान में पता कीजिए पेट्रोल कितने लीटर मिल रही है, दूसरे कंट्री भी तो देखिए ना, महंगाई का हम कैसे मापदंड निकालेंगे। भैया हम मेरे घर में इतने आते हैं तो दूसरे घर में क्या आ रहे हैं, वो तो देखेंगे ना, तो महंगाई किस मापदंड से आप महंगाई मानते हैं। महंगाई कोई नहीं, महंगाई कहाँ है, हम नहीं मानते महंगाई है, अगर महंगाई है तो आपका इनकम लेवल तो बढ़ रही है ना, आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है तो महंगा तो हर चीज़ दिखेगा आपको, महंगाई कुछ नहीं है। क्या नाम? सूरज। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मिनट रुकिए तो, अच्छा आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी भाई आज हम लोग का जन्म से पहले का भी हम लोग देखते हैं, मूवी वगैरह भी देखते हैं, जो 70 का मूवी बना हुआ है उसमें भी महंगाई दिखाया जाता है, तो कहने के लिए तो एक तो मुद्दा होना चाहिए विपक्ष के पास और कि भाई महंगाई महंगाई, उसके अलावा कोई मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी महंगाई के अलावा किसी के पास कोई मुद्दा है, किसी भी राज्य में या किसी अपने कंट्री की बात कर रही, यानी इंडिया की बात कर, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार तो बीजेपी के पास यही बहाना था, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के पास यही बहाना है बेरोजगारी महंगाई, क्योंकि आम जनता को यही दो चीज़ सताता है सबको, अब आम जनता को भी दिखने लगा है भैया कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा हो गया, महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, न महंगाई है न बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी है ही नहीं। ठीक ठीक, थैंक यू।